ओके चल ये यहाँ घुमाइए, इसको घुमाइए नीचे करके, यहाँ नीचे बस यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक, ब्लैक कलर को मैंने ले लिया है और थोड़ा उसको मिक्स कर रहा हूँ ताकि मैं आसानी से उसको कर सकूँ। ओके, अब मैंने ये देखिए पेपर लिया है ये, अब पेपर से मैं अब ये ट्री बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ट्री के ब्रांच को मैं बनाऊँगा। तो ये देखिए मैंने पहले एक लाइन, सीधी लाइन ये मैंने ये खींची है जो नीचे आकर थोड़ी मोटी हो जाएगी। इसी तरह मैंने यहाँ से लिया और ये लाइन मैंने लिया, ये सीधी लाइन मैंने लिया और ये थोड़ी सी मोटी मैंने कर दिया। इसी तरह यहाँ से लिया मैंने लाइन ये और ये थोड़ी मोटी कर दिया। इस तरह का आपको एक लाइन बनाना है। अब इसके ब्रांचेस हम लोग बनाएंगे, ब्रांचेस। तो ब्रांचेस पहले हम लोग ये हमने ऊपर से एक लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ऊपर में एक हमने ऐसे मिला दिया, एक हमने ऐसे मिला दिया। ठीक है, और इस ब्रांच को हमने थोड़ा सा हाइट दिया, थोड़ा सा बड़ा किया। और फिर मैंने एक ब्रांच मैंने यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है, फिर एक ब्रांच मैंने यहां से ऐसे मिला दिया। फिर एक ब्रांच मैंने यहां से ऐसे मिला दिया, ठीक है, फिर एक ब्रांच मैंने यहां से निकाला और यहां से लाते हुए इसमें हमने मिक्स कर दिया। फिर एक ब्रांच मैंने यहां से निकाला और यहां लाके मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं जो हमारे नीचे का जो हिस्सा है उसको हम थोड़ा सा मोटा करेंगे ताकि वो एक पेड़ का शेप हमारा पूरा आए। हमने इसमें कोई भी पेंसिल, कोई भी स्केच, कुछ भी नहीं लगाना है, केवल हमको डायरेक्ट कलर से ही बनाना है। ठीक है, आप लोग दिखाई दे रहा है ना, ये देख लीजिए मैंने कैसे किया है। ये पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर है। पेपर में पहले हमने यहाँ पे एक लाइन सीधी यहाँ पे ऐसे मैंने बनाया था, उसके बाद हमने ये ब्रांचेस को इसमें ऐड किया, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, फिर ये ब्रांच, ये ब्रांच, अपने हिसाब से आपको ब्रांचेस बना लेना है। ओके, सबका ये बन गया, सभी लोगों ने बना लिया। माइक ऑन करके बताइए कि आप सभी लोगों ने बना लिया, सभी लोगों ने ये बना लिया।
ऑल चिल्ड्रेन, सभी लोगों ने बना लिया इसको, आप सब रिप्लाई दीजिए, सबका ये कंप्लीट हो गया। प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, आप लोग दिखाइए हमको अपनी अपनी शीट दिखाइए जिसका कंप्लीट हो गया। आरती शो योर शीट, नॉट योर फेस, गुड। श्रीजू, श्रीजू, प्रखर, आरती, एवरीवन शो योर शीट। ये मैंने देखे कैसे बनाया है, थोड़ा सा वो जो जो ब्रांच बनेंगे आपके वो बहुत ही पतले पतले बनेंगे, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही अनसाइज का बना दिया है, तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान देंगे। और ब्रांचेस एक जैसे नहीं होते हैं कि एक शेप नहीं लेता है, वो अलग अलग शेप में रहते हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। अगर प्रखर, प्रखर, श्रीजू, श्रियांश, सब अपने कैमरे ऑन करो और माइक ऑन करो, एक बार आप लोग देख लीजिए मेरा किस तरह बना हुआ है। नेक्स्ट आप जब बनाएंगे, और आपको बता दें आपको दो क्रिएशन अपना बना के रखना है, स्कूल ओपन होने पर आपको वो क्रिएशन अपने ले कराना है, तभी हम यहाँ पर बेस्ट क्रिएशन को प्राइज देंगे व सर्टिफिकेट्स देंगे। ओके, आप अभी तो ये सीख रहे हैं, इसके बाद आपको बनाना है अच्छा सा, फिर आप कुछ भी जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो कलर्स, ठीक है। श्रीश शो योर शीट, ये मैंने देखिए पहले मैंने ये बनाया है, अभी जो ऐड हुए हैं एक सादे पेपर पे आपको ब्लैक रंग से ये बनाना है। ये हमारा ट्री बन रहा है, बहुत ही इजी वे में ट्री में हम बना रहे हैं। श्रीश अपना माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो, आरती, प्रखर, जो अभी ऐड हुआ है वो तुरंत ये बना ले, एक सादे पेपर पे ये ब्रांच बना ले, ट्री के जो ब्रांच होती है वो ऐसे करके बना ले। कार्तिके, तुम्हारा कंप्लीट हो गया, जिसका जिसका कंप्लीट हो गया अपनी शीट शो करो। गुड अलिश्बा, वेयर इज अलिश्बा, मैं सबके नाम रिपीट कर रही हूँ, सब अपने कैमरे को ऑन करो और माइक को ऑन करो, मैं नाम सबके रिपीट कर रही हूँ। आराध्या, आदर, अदित्री, आदित्या, अलिश्बा, अनवर, आरती, आर्यन, आयुष, इशिका, नैन्सी, श्रीजू, श्रीश, सब अपने कैमरे ऑन करो, सब अपने माइक ऑन करो। ल्यूक, प्लीज ऑन योर कैमरा एंड माइक ऑल्सो। अभी सर नेक्स्ट स्टेप जो करने जा रहे हैं आप लोग देखिए और कीजिए, सब अपने अब माइक ऑन कर ऑफ कर दीजिए। आदर्श, इसके बाद हम कलर को लेंगे, ग्रीन कलर को थोड़ा सा लेंगे, डार्क ग्रीन को, उसमें हल्का सा व्हाइट मिला के थोड़ा सा ये तैयार करेंगे कलर को, हल्का सा व्हाइट मिला लेंगे और ये कलर को हम तैयार करेंगे और मोटे ब्रश से हम इसको मिक्स करेंगे। हमारा देखिए वाइट कलर मिक्स हो गया है और इस तरह का लुक आ रहा है। ओके, अब इसके बाद
हम ब्रश को लेके इस तरह खड़ा कर लेंगे, ब्रश को खड़े करके इसको प्रेस करेंगे, ऐसे 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 से प्रेस करेंगे, ऐसे 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 प्रेस करेंगे, ऐसे 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 हम प्रेस करेंगे, ऐसे 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 हम प्रेस करेंगे। ऐसे 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 हम प्रेस करेंगे। सबको दिख रहा है ना? ओके सबका हो गया। हम कलर को लेकर ब्रश को ऐसे खड़ा कर इसको मैंने ऐसे ऐसे करके प्रेस किया है, जहां जहां हमारी ब्रांचेस हैं उन सब पे हमने इस तरह करके इसको प्रेस किया है। सबका इस तरह हो गया, एक बार आप लोग देख लीजिए। एक बार सभी लोग देख लीजिए, इस तरह करके बनाइए। हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद ये कलर को हम लेके थोड़ा सा हम लोग नीचे भी कर देंगे, ऐसे ऐसे कहीं कहीं, ज़्यादा दूर दूर पे, कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे दोनों साइड पे भी हम कर देंगे ऐसे ऐसे। ओके, इस तरह भी आप कर लेंगे इसको, नीचे भी आप लोग, ये नीचे भी आप लोग ऐसे ऐसे से थोड़ा सा कर देंगे, प्रेस कर लेंगे ब्रश को लेके खड़े करके, ब्रश को ऐसे से कर देंगे। उसके बाद हम लोग लेंगे कलर येलो, ये मैंने येलो कलर ले लिया है। देखिए मैंने येलो कलर ले लिया है, और ये देखिए मैंने येलो कलर ले लिया है, येलो कलर को भी हम लेकर इसको भी हम ऐसे ऐसे जहां जहां बची है जगह वहां पर ऐसे से करेंगे। देखिए मैंने कहा पे जहां जहां जगह बची है हमने वहां पे भी कर लिया।
थोड़ा हमने नीचे भी कर लिया। आर्यन पांडे इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं आप, टाइम से सब ज्वाइन करो। उसके बाद हम ये ब्रश को धुल लेंगे। और हम लेंगे अब रेड कलर। देखिए मैंने रेड कलर ले लिया है, देखिए मैंने रेड कलर लिया है। मैंने रेड कलर लिया, इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को हल्का सा उस पर डिप करके ब्रश को, और मोटे ब्रश से ये मैंने खूब मिक्स कर लिया। अब इससे भी हम लोग इसी तरह ही करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए। इस तरह हमारा ये लुक देखिए आ रहा है ट्री का। थोड़ा सा हमने नीचे भी कहीं कहीं इसको हमने कर लिया। ये हमारा ट्री तैयार है। अब इसको हम डेकोरेट करने के लिए हम एक पेपर लेंगे कोई भी कलर का, चाहे वो ब्लू हो, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो। आपके पास जो भी कलर का पेपर अवेलेबल है आप वो कलर का पेपर यूज कीजिए, जरूरी नहीं है ब्लू ही करना है। आप डेकोरेट बाद में भी कर सकते हो, अभी आप देख सकते हो। और इसके अलावा चार्ट पेपर भी चल सकता है, चार्ट पेपर से भी आप कर सकते हो। ओके, इस तरह का आप पेपर ले लोगे, इस तरह का आप पेपर ले लोगे और इसको चार भाग में डिवाइड कर लोगे। कितने भाग में? चार भाग में। इसको मैंने ये मोड़ दिया और एक मैंने ये और मोड़ दिया। ये मेरे चार पतले पतले स्ट्रिप्स जो है मेरे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये पतले पतले स्ट्रिप्स मेरे चार एकदम रेडी हो जाएंगे। इसको हम चाहे तो मैं हाथ से काट लूँगा, चाहे तो मैं सीजर से भी काट सकता हूँ। आपको जैसे भी कट करना होगा इसको आप ऐसे कट कर लीजिएगा। इस पेपर को मैंने देखिए, ये स्ट्रिप्स को मैं कट कर रहा हूँ। मैंने ब्लू कलर का ये पेपर लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, वाइट छोड़कर आप कोई भी कलर ले सकते हैं। ये मैंने एक स्ट्रिप तैयार किया। अगर आप हाथ से अपने पेपर को स्ट्रिप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो आप पतले पतले चार स्ट्रिप कैंची से काट के निकाल सकते हैं। चार्ट पेपर भी चल सकता है, कोई भी पेपर चल सकता है। व्हाइट कलर छोड़ के आप कोई भी पेपर यूज कीजिए और सीजर से काट के चार पतले पतले स्ट्रिप्स बना लीजिए।
ये देखिए मैंने स्ट्रिप्स कट कर लिया चारों, ये मैंने स्ट्रिप तैयार कर लिया है। अब स्ट्रिप को मैं करना क्या है, मुझको एक हमको स्ट्रिप यहाँ पे चिपकाना है, पेस्ट करना है। आप गम का यूज़ कर सकते हैं, फेविकोल का यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और एक मैं थोड़ा सा उसको साइड का मोड़ कर, क्योंकि इधर का हिस्सा छोटा है, एक मैं यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और इसको भी मैंने थोड़ा साइड का मैंने मोड़ दिया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। ये हमारा इस तरह करके डेकोरेट हो जाएगा। तो इसको हम चिपकाते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये गम, गम को मैंने यहाँ लगाया और इसको ला के मैंने ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। जितना बड़ा आपका पेपर होगा, ये पेपर उसी पेपर की साइज को कट करके तब उसमें से फोर पीस निकालिएगा। अगर आपके पास ये पेपर ना हो इस साइज का, अगर आप चार्ट पेपर को यूज़ कर रहे हैं, तो पहले आप जिस पेपर पे आपने बनाया उस साइज का कट कर लीजिएगा, फिर उसमें से फोर पीस निकालिएगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। नीचे से उसको चिपकना के डर है, आप निकाल दीजिएगा। अब मैंने ये थर्ड पीस लिया, थर्ड पीस को भी मैं यहाँ पे ये गम लगा के और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये बचा फोर्थ पार्ट, इसको भी मैंने गम लगा के और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारा पेस्ट हो चुका है सभी और हमारा ये लुक आएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, नेम, क्लास, सेक्शन और स्कूल। ये आप करके ये आपका पेंटिंग जो हमारे इजी वे में मैंने ट्री बनाया है, बिना पेन यूज़ किए, बिना पेंसिल यूज़ किए, मैंने ये डायरेक्ट कलर से मैंने ये ट्री बनाया। हो गया सबका कंप्लीट? जिसका जिसका कंप्लीट हो गया है अपनी शीट दिखाइए। सभी लोग अपनी अपनी शीट दिखाइए जिसकी कंप्लीट हो गया है। ये आप डेकोरेट अगर अभी नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। डेकोरेट आप बाद में कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आपको लिंक जो भेजा जाएगा जिस चैनल का, उस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ये रहेगा कि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे आपको तुरंत वहाँ पे मिल जाएगी, हमको भेजना नहीं पड़ेगा, तुरंत आपको मिल जाएगी। इसलिए जैसे ही आपके पास लिंक आती है, आज 2 बजे तक हम लोग लिंक भेजेंगे, 2 से 2:30 बजे तक, आप लोग उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अपने भैया से और सिस्टर से और मदर से, आप फादर से आप करवा लीजिएगा। ओके, ये बंद करना नहीं, हाँ उसको बंद।